होली की रात कर लो चुपके से ये काम, इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। हर इंसान चाहता है कि वो भी धन धान्य से संपन्न रहे, उसके पास भी बंगला हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, लेकिन हर किसी व्यक्ति के सपने पूरे नहीं होते और हर इंसान चाहता है कि ये सारी चीजें उसके पास रहेंगी तो वो अपनी जिंदगी बढ़िया तरीके से व्यतीत कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग काफी मेहनत करते हैं धन दौलत पाने के लिए, लेकिन इसके बाद भी सही तरीके से एक व्यक्ति की रोटी भी नसीब नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग बिना मेहनत किए ही लाखों रुपए उठाते हैं। तो आइए जानते हैं कि होली के समय में किए जाने वाले गुप्त और प्राचीन टोटकों के बारे में, जिसकी मदद से आप भी धन और धान्य से संपन्न हो सकते हैं, आपके पास भी बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा हो सकता है। पुराने समय में लोग सबसे ज्यादा टोटके करते थे, आज भी आदमी इन टोटकों को कर सकता है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता, लेकिन मंत्रों में बंधन होता है, एक निश्चित सीमा होती है, परंतु टोटकों में कोई भी बंधन नहीं होता है। वही मंत्र से ज्यादा प्रभावशाली टोटके होते हैं जो कि तुरंत प्रभाव दिखाते हैं। इनका असर अत्यधिक तीव्र होता है, टोटकों के प्रभाव से देवी देवता खिंच चले आते हैं। होली के दिन टोटकों को करने के लिए आपको काली हल्दी की जरूरत पड़ेगी। काली हल्दी अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे बाजार से खरीद कर ला सकते हैं। काली हल्दी को लेकर आपको गंगा जल से धोना है, इसके बाद काली हल्दी की आपको पूजा करनी है। काली हल्दी साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और जहाँ लक्ष्मी होती हैं वहाँ धन धान्य की कमी नहीं होती, वहाँ लक्ष्मी धन धान्य के रूप में हमेशा रहती है। पूजा अर्चना करने के बाद इसे लाल चुंदरी में बांधकर अपने घर की तिजोरी अथवा पूजा घर के अंदर स्थापित कर दें। वहीं अगर आप चाहें तो इसे चांदी के ताबीज में भरकर गले में पहन सकते हैं। ये टोटका इतना प्रभावी है कि लक्ष्मी जी भागते भागते आपके पास चली आएंगी और उन्हें आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता है। इस उपाय को करने के बाद एक साल के अंदर आपके पास बंगला, गाड़ी, धन धान्य सब कुछ हो सकता है। इसके अलावा होलिका दहन की भस्म पूरे घर में छिड़की जाती है और परिवार के लोगों को भस्म का टीका भी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे घर से नकारात्मक शक्ति भागती है और परिवार के लोगों की उन्नति के मार्ग भी खुलते हैं। साथ ही ऐसी मान्यता है कि अगर किसी कन्या के विवाह में समस्या आ रही है या किसी महिला की शादीशुदा जिंदगी अस्त व्यस्त है तो एक चुटकी सिंदूर लेकर होलिका दहन में डाल दें। इस काम को करते समय किसी से नहीं बोलें और ना बताएं। ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। महालक्ष्मी का जाप करने के बाद होलिका दहन की सात परिक्रमा करने से सभी परेशानियों का नाश होता है। छोटी होली यानी होलिका दहन की रात गोबर के उपले लेकर उसमें रस्सी बांधकर घर के बाहर लटका दें। ऐसा करने से घर के अंदर मौजूद सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाती है। ऐसा करने से धन की कमी दूर होती है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई है और अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।